सोनीपत जोत महोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु आज हमारे साथ हरिद्वार हर की पौड़ी पर मौजूद हैं। आइए हम पूछते हैं कि यहाँ जोत प्रवाहित करने का क्या महत्व है और कब से सोनीपत से यहाँ जोत लाई जा रही है। सोनीपत जोत महोत्सव एक बड़ा छोटा सा नाम है, इससे बड़ा नाम है मुल्तान जोत सभा जो 96 साल से निकाल रहे हैं, और उससे बड़ा नाम है झूलेलाल का झूलेलाल जोत महोत्सव जो सिंधी लोग करते हैं। अर्थात सिंधु नदी भी एक भारतवर्ष की सुप्रसिद्ध नदी थी, दुर्भाग्यवश भारत का विभाजन हुआ, सिंधु नदी पाकिस्तान में चली गई और वहाँ से लोग यहाँ चलकर और झूलेलाल जी जो वास्तव में जोत महोत्सव के आयोजक शुरुआत करने वाले हैं कि वहाँ से आते थे और सिंधुओं ने उनको अपना गुरु मान लिया और हर साल वो श्रावण मास के अंदर भी और अप्रैल में बैसाखी पर्व पर भी अपने गंगा मैया के पूजन करने के लिए सारे सिंधी इकट्ठे होते हैं। झूलेलाल जी उनके इष्ट देव हैं, उनको वो सर्व अपना सर्वे सर्वा मानकर और माँ गंगा की पूजा करके उनके निमित्त यहाँ पर जोत प्रवाहित करते हैं। जोत महोत्सव में शामिल होने के दूर दूर के देशों से लोग आए हैं, वहीं पर हमारे साथ महिला श्रद्धालु भी उपस्थित है। आइए पूछते हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा इस शोभा यात्रा में शामिल होने के बाद। बहुत अच्छा अनुभव रहा, हम 19 साल से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, हमें मन को बहुत शांति मिलती है आने के बाद। भारतीय परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा, जो एक ज्योत का मतलब प्रकाश, इस ज्योत के माध्यम से हम दुनिया को प्रकाश देना चाहते हैं। प्रकाश कैसा, ज्ञान का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश, अपने आप को जानने का प्रकाश। और ये महोत्सव पूरे पाकिस्तान जो कभी भारत का अंग होता था मुल्तान के अंदर से भगत जी इस ज्योत को लेकर चले, तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है। इसमें दिल्ली के लोग, सोनीपत के लोग, पानीपत के लोग, अर्थात पूरे भारत में हर जगह से यहाँ के श्रद्धालु भक्त आते हैं। और आप देख रहे हैं आज लाखों का जो हजूम है, ये हमारी गंगा माँ के प्रति आस्था प्रकट करता है, हमारी सनातन जगत में आस्था प्रकट करता है। ऐसे अवसर पर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि हमारे हरिद्वार के अंदर लाखों लाखों भक्त आ रहे हैं, उन्हें स्वागत करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। जहाँ उत्तरांचल सरकार की ओर से हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री श्री तिलक राज जी बेहड़ भी इस पूरे कार्यक्रम को अवलोकन करने के लिए और यहाँ पर स्वागत करने के लिए सरकार की ओर से पधारे हुए हैं। वहीं पर हमारे परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज भी यहाँ सभी श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बड़ा आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ज्योत हमारे भारत की आस्था की ज्योत है, श्रद्धा की ज्योत है, प्रेम की ज्योत है। इस गीत में गीत गाए गए हैं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और गंगा के पावन तट से आज यही संदेश है कि हमारे देश में प्रेम के पुल बने, एकता के पुल बने, आस्था के पुल बने, श्रद्धा के पुल बने, ताकि हमारे देश की जो धारा है निरंतर ये गंगा की पावन प्रवाह की तरह, अखंड प्रवाह की तरह इस देश की आस्था भी प्रवाहित रहे और ये धारा एक दूसरे को कड़ी की तरह जोड़ती रहे। बस ये मेरी शुभकामना है। हरिद्वार के इस पावन गंगा के तट पर, सोनीपत
ज्योत महोत्सव पानीपत दिल्ली से विभिन्न क्षेत्रों से आज ज्योत यहाँ पर लेकर लोग आए हैं। सावन के माह में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पूरा देश भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा हुआ है, और मुझे तो पहली बार इसका स्वागत करने का मौका मिला है सरकार की ओर से। मैं तो सबका स्वागत करता हूँ, और ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से हमारा देश अलग नहीं हुआ है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आज ही पाकिस्तान की गूंज यहाँ पर, हमारे विशेष रूप से पंजाबी समुदाय की आज यहाँ पर गूंज रही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं पंजाबी महासभा की ओर से भी उत्तरांचल के अध्यक्ष होने के नाते भी इनका अभिनंदन करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि महामंडलेश्वर श्री हंसदास जी ने बताया कि दिव्य ज्योत एक श्रद्धा आस्था का प्रतीक बन चुकी है, साथ ही एक ऐसी ज्योत बन चुकी है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैला देती है। जैसा कि हमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि आज भी हम अलग नहीं है, आज भी हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए, युगों युगों तक हमारी एकता इसी तरह अपना परचम सारी दिशाओं में फैलाती रहेगी। ज्योत सोनीपत से यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुँच चुकी है, और हमारे साथ मौजूद है श्रीमती कृष्णा कहलावत, प्रतिष्ठित समाज सेवी और विधायक अनिल ठक्कर जी। आइए पूछते हैं कि इस पावन धाम पर, पावन संगम पर आकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं जहाँ लाखों करोड़ श्रद्धालु के साथ है। यहाँ पर आकर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। लाखों और करोड़ों लोगों की भावनाएं हमारी इस ज्योत के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी श्रद्धा और विश्वास सैकड़ों वर्षों से जुड़ा हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पर्व है जो सावन के महीने में मनाया जाता है, और सभी बिरादरी के लोग इसमें सम्मिलित होकर इसका सम्मान करते हैं और माँ गंगा के ऊपर अपनी अर्चना और आराधना करते हैं। पूरे भारतवर्ष में सावन की ज्योत का विशेष महत्व है, और हमारे सोनीपत से लाखों हर जाति से महिला पुरुष यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये एक बहुत बड़ा पर्व है। हरिद्वार में आके हम सबको यहाँ बहुत खुशी हुई है, सब आपस में मेलजोल करते हैं, कई जो बहुत दिनों से भी मिलते हैं आपस में यहाँ आके बड़ी अच्छी तरह मेल मिलाप करते हैं, सभी अपने पुराने गिलेशी को भूल जाते हैं। हम सबको यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और मैं भगवान से और गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सोनीपत में हर तरीके से खुशहाली रहे।